18 नवंबर उल्लासनगर महानगर पालिका में महापौर और उपमहापौर पद के लिए दाखिल किया गया उम्मीदवारी पत्र। महापौर पद के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से जमनादास खूबचंद पुरसानी ने अपने ओर से उम्मीदवारी पत्र दाखिल किया। महापौर पद के लिए साई पार्टी की ओर से जीवन चंद्रबान इदनानी ने भी अपने ओर से उम्मीदवारी पत्र दाखिल किया। मैं दोबारा बताता हूं कि महापौर पद के लिए साई पार्टी की ओर से जीवन चंद्रबान इदनानी ने भी अपने ओर से उम्मीदवारी पत्र दाखिल किया और महापौर पद के लिए शिवसेना पार्टी की ओर से भी लीला ताई अशान उन्होंने भी अपने ओर से उम्मीदवारी पत्र दाखिल किया। ये आज की चौंकाने वाली खबर है कि शिवसेना पार्टी ने भी अपने ओर से उम्मीदवारी पत्र दाखिल किया। लीला ताई अशान जो पहले भी महापौर रह चुकी है उसके बाद उपमहापौर पद के लिए बीजेपी पार्टी की ओर से विजय चाऊ पाटिल ने भी अपने ओर से उम्मीदवारी पत्र दाखिल किया। उपमहापौर पद के लिए साई पार्टी की ओर से दीपक लक्ष्मण दास सीरवानी यानी के टोनी सीरवानी ने भी अपने ओर से उम्मीदवारी पत्र दाखिल किया। साई पार्टी के ओर से टोनी सीरवानी ने भी दाखिल किया। उसके बाद बगान बालेराव ने भी शिवसेना पार्टी के अलायंस के साथ अपने ओर से उपमहापौर का पत्र यानी के उम्मीदवारी पत्र दाखिल किया। मैं आपको दोबारा बताता हूं कि उपमहापौर पद के लिए आरपीएफ पार्टी ने भी शिवसेना के साथ अलायंस करके अपने ओर से उम्मीदवारी पत्र दाखिल किया। उसके बाद उपमहापौर पद के लिए राष्ट्रवादी पार्टी की ओर से भरत रामचंद्र राजानी यानी के उप गंगोत्री ने भी अपने ओर से उम्मीदवारी पत्र दाखिल किया। आज ये उल्लासनगर महानगर पालिका की पूरी खबर है। महानगर पालिका में महापौर पद के लिए 3 और उपमहापौर पद के लिए 4 उम्मीदवारी पत्र आज दाखिल किए गए। सूत्रों से पता चला है कि बीजेपी पार्टी अपना महापौर बनाने के लिए नए विकल्प तलाश कर रही है, ऐसी जानकारी सूत्रों से हमें मिली है। आइए जानते हैं पूरी बात का विश्लेषण। हमने आपको बताया कि उल्लासनगर महानगर पालिका में महापौर पद के लिए 3 लोगों ने अपने ओर से उम्मीदवारी दाखिल की, जिसमें से जमनादास पुरसवाणी, जीवन इदनानी और श्रीमती लीलाबाई अशान, ये 3 नाम शामिल है। और उसके बाद उपमहापौर पद के लिए 4 लोगों ने उम्मीदवारी दाखिल की, जिसमें से विजू चाऊ पाटिल, दूसरे नंबर पे टोनी सीरवाणी और तीसरे नंबर पे शंकर बालेराव जी का नाम आता है और चौथा नाम आता है भरत राजवानी का। इन 4 ने भी उपमहापौर पद के लिए अपने ओर से उम्मीदवारी दाखिल की। हम आपको ये बताना चाहता है भारतीय जनता पार्टी अपने ओर से अपने प्रत्याशी को महापौर बनाने के लिए इस समय 2 प्लान पर काम कर रही है। आपको हम समझा रहे हैं किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी प्लान ए और प्लान बी पे काम कर रही है। पहला जो प्लान ए है वह उस प्रकार का है जिस प्रकार से साई पार्टी अपने बीजेपी पार्टी से वह महापौर का पद मांग रही है, उपमहापौर का भी पद मांग रही है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को साई पक्ष से उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है। दूसरी ओर टीओके पार्टी के प्रवक्ता कमलेश निकम ने भी उन्होंने कुछ दिन पहले विजू पाटिल को भारतीय जनता पार्टी के कोर कमेटी में अपना समर्थन पत्र भारतीय जनता पार्टी को दिया। उन्होंने कहा कि विजू पाटिल को अगर महापौर बनाते हैं तो टीओके पार्टी के नगर सेवकों का उनको समर्थन रहेगा। तो बीजेपी पार्टी को ये बात भी उन्हें चुभ रही है कि आखिर सहयोगी दल उन्हें क्यों एडवाइस दे रहे हैं। आज जब नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए शहर के सभी नगर सेवक आज महानगर पालिका में पहुंचे हुए थे, दूसरी ओर टीओके पार्टी के कोई भी नगर सेवक आज महानगर पालिका में हमें देखने को नहीं मिला, यानी कि आज ये कहा जाए कि आज नॉमिनेशन फॉर्म भरने वक्त टीओके पार्टी के जो नगर सेवक है वो महानगर पालिका में आज नहीं पहुंचे हुए थे। मतलब टीओके पार्टी के नगर सेवक उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए वहां पर आज नहीं पहुंचे हुए थे। दूसरी बात, आज उल्लासनगर शहर में पूर्व मंत्री और आमदार रविंद्र चौहान आज उल्लासनगर महानगर पालिका में खुद आए थे। आज वह महापौर के चेंबर में वहां पर बैठे, उन्होंने वहां पर एक मीटिंग की, मगर शहर की महापौर पंचम कालानी अपने केबिन में उपस्थित नहीं थी। यानी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अपने अलायंस पार्टनर टीओके के नगर सेवक को नाराज करके रखे हुए हैं और आज वह वहां पर नहीं पहुंचे थे, ये बात हमें दर्शाती है कि बीजेपी पार्टी साई पार्टी के लोगों से और टीओके पार्टी के लोगों से किनारा
कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी इन बातों से कैसे निपटेगी, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने फार्मूला ए और फार्मूला बी तैयार किया हुआ है। आपको हम बताएंगे कि ये सूत्र से हमें जानकारी मिली कि फार्मूला ए में क्या आता है और फार्मूला बी में क्या आता है। जो फार्मूला ए है वह भारतीय जनता पार्टी अपने अलायंस टीओके पार्टी और साई पार्टी को समझाएगी कि आप इतने पदों की डिमांड ना करें जिससे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दिक्कत होती है। अगर वह उनके अलायंस पार्टनर समझते हैं तो ठीक है, अगर नहीं समझेंगे तो फार्मूला नंबर बी जो भारतीय जनता पार्टी तैयार करके बैठी है, फार्मूला जो बी है वो फार्मूला इस प्रकार का है, उसमें भारतीय जनता पार्टी अपना जो गठबंधन है शिवसेना पार्टी से कर सकती है। वह महापौर भारतीय जनता पार्टी खुद लेकर उपमहापौरों का पद व शिवसेना को देकर दोबारा एक नया गठबंधन स्थापित कर सकती है, ऐसी सूत्र ने हमें जानकारी दी। जिस प्रकार से महाराष्ट्र प्रदेश में शिवसेना पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आपस में टूट के कदार पर आ चुकी है, अगर दोबारा भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश में एक साथ युति में आ जाती है तो यह फार्मूला आप निश्चित समझिए कि उल्लासनगर में लागू होगा। उसमें जो साई पक्ष और टीओके पार्टी को दरकिनार किया जाएगा, ऐसी सूत्र ने हमें जानकारी दी। मगर उससे पहले फार्मूला ए पर काम किया जाएगा, अगर फार्मूला ए सक्सेस नहीं होता है तो फार्मूला बी सक्सेस करके बीजेपी पार्टी अपने ताबे में महापौर और दूसरे कई पद अपने ताबे में कर सकती है। इस प्रकार से बचा हुआ 2.5 साल का कार्यकाल बीजेपी और शिवसेना पार्टी आपस में कर सकती है। आइए जानते हैं आज जिन जिन नेताओं ने वहां पर उम्मीदवारी के पत्र दाखिल किए, क्या कहना है और क्या उनकी रणनीति है। इन सारी बातों को आने वाली 22 नवंबर के दिन विराम लग सकता है और 22 नवंबर के दिन उल्लासनगर महानगर पालिका में यह सिद्ध हो जाएगा कि उल्लासनगर में कौन से पार्टी का महापौर बनेगा और कौन से पार्टी का उपमहापौर बनेगा। पार्टी ने मुझे भरवाया है और उपमहापौर के लिए हमारे विजय जाऊ पाटिल जी का नाम आया था ऊपर से, यह महापौर और उपमहापौर का हमने दोनों फॉर्म भरा है। सर, आपके जो अलायंस है साई पार्टी, वह भी अपनी ओर से महापौर उपमहापौर का फॉर्म भर रही है, उसमें क्या है? अलायंस है तो उस अलायंस में एक ही पार्टी बननी चाहिए। देखिए, हमारे मित्र पक्ष साई पक्ष की तरफ से भी महापौर और उपमहापौर का फॉर्म भरा जा रहा है। हमारा मित्र पक्ष साथ में है, हमारे में कोई भी मतभेद नहीं है। पार्टी की तरफ से जिसका भी आदेश आएगा वह उसका फॉर्म रखा जाएगा, बाकी एक महापौर का फॉर्म और एक उपमहापौर का फॉर्म विड्रा किया जाएगा। इसके पहले फॉर्म भरने की प्रक्रिया से पहले जो बैठक हुई थी आला कमान से मंत्रियों के साथ, तो क्या निर्णय लिया गया? कहीं ना कहीं अलायंस में इसमें जो है दिक्कतें आ रही, जिस तरीके से नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया है। देखिए, यहाँ पर हमारी जो बैठकें चल रही थी बहुत देर से, कोशिश ये चल रही थी कि सबको एकमत कर लिया जाए। हमारे जो महाराष्ट्र प्रदेश की कार्य समिति है उसके अंदर जो हमने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो नाम भेजे थे उसमें मेरा नाम आया है, लेकिन जो हमारे मित्र पक्ष हैं उनकी भी इच्छा है, हर एक की इच्छा होती है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम सब साथ में हैं। हमारे मंत्री जी ने आदेश किया है कि हम 2 दिन के अंदर अंदर सर्वसम्मति कर लेंगे और यह चुनाव जो होगा, युति जो हमारी है वह कायम रहेगी। युति के अंदर एक ही महापौर रहेगा और एक ही उपमहापौर रहेगा, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है। इसके लिए ही हम लोगों को बिठाया गया था ताकि हमको वह समझा सकें कि अगर महापौर के लिए साई पक्ष का नाम आता है तो हम विड्रा करेंगे, अगर साई पक्ष का उपमहापौर के लिए नाम आता है तो साई पक्ष महापौर का फॉर्म विड्रा करेंगे। शिवसेना की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, शिवसेना यहाँ पर जो है जब से 2017 के चुनाव हुए हैं विपक्ष में थी, उनकी हमारी कोशिश उनके साथ भी है कि हम जैसे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हमने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने मिलकर लड़े हैं, तो हम चाहते हैं कि शिवसेना भी हमारे साथ यहाँ पर युति में रहे और हम मिलजुल करके भारतीय जनता पार्टी, पीओके, शिवसेना, साई पक्ष, आरपीआई सभी मिलकर के इस शहर के विकास को आगे बढ़ाएं और महाराष्ट्र प्रदेश में जो सत्ता बनेगी उससे हम बहुत सारा फंड लाएं और यह शहर एक बहुत सुंदर शहर बनाएं। आपके मित्र पक्ष है, उनको भी आपने महापौर का पद देने का वादा किया, ऐसी उन्होंने हमें जानकारी दी कि उनकी करारनामा आपसे हुआ है, मगर आज भारतीय जनता पार्टी की तरह से भी महापौर का भी फॉर्म भरा जा रहा है, उपमहापौर का भी भरा जा रहा है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महापौर के लिए जमनू पुरसानी जी ने फॉर्म भरा है, उपमहापौर के लिए हमारे विजू पाटिल जी ने फॉर्म भरा है, साथ साथ में साई पक्ष के हमारे जीवन इंद्रानी ने महापौर के लिए फॉर्म भरा है, उपमहापौर के लिए
टोनी सीरवानी जी ने फॉर्म भरा है। आज हमारी बैठक हुई, अभी 22 तारीख को चुनाव के पहले हमारे वरिष्ठों की बैठक होगी। हमारे आदरणीय चंद्रकांत दादा पाटिल जी जो हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष है, उनके सामने प्रपोजल जाएगा और ये प्रपोजल जो भी निर्णय ऊपर से आएगा उसकी मान्यता करेंगे। आज साई पार्टी भी हमारे साथ में है, टीओके भी हमारे साथ में है, भारतीय जनता पार्टी भी साथ में है। हमने सभी ने, तीनों पक्षों ने बैठ के ये निर्णय किया है और आने वाले 22 तारीख के पहले आपको जो भी फाइनल होगा आपको मालूमात हो जाएगी। सर, साई पार्टी के मुखिया जीवन इंद्रा ने बताया कि जिस पार्टी का महापौर पक्ष पक्का होगा उसका उपमहापौर पक्ष वो खुद रिटर्न कर लेंगे, तो ये जो आपस में ट्यूनिंग हुई है ये बिल्कुल सही है? ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एक को महापौर मिलेगा, एक को उपमहापौर, वो एकदम सही बोले। लेकिन कहीं ना कहीं जो निर्णय होना है उसमें कभी भी जो है नाराजगी दिख रही है? देखिए, कोई नाराजगी नहीं है, हम सब एक है, तीनों पक्ष है, तीनों पक्ष हम एक है, भारतीय जनता पार्टी टीओ के और साई पक्ष। अभी अभी हम लोग ने हाल में मीटिंग करके फॉर्म भरा है और हम सब साथ में है। शिवसेना की क्या भूमिका रहेगी उसमें भी जो है इनका नाम? देखिए, उसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। इस वक्त हम युति में, हम तीनों पक्ष साथ में है। धन्यवाद भाई साहब। हमारा अलायंस है, अलायंस रहेगा, अलायंस के साथ ही हम जा रहे हैं। निर्णय ये हुआ है कि अब चुनाव जो है 22 तारीख को है, फ्राइडे को 12 बजे, तो जिस भी पक्ष के हिस्से में महापौर आएगा उसका उपमहापौर विड्रा हो जाएगा और जिस पक्ष को उपमहापौर आएगा उसका महापौर विड्रा हो जाएगा। सर, आपने तो दोनों में से एक को महापौर मिलना है, एक को उपमहापौर मिलना है जी। वो निर्णय जब आएगा तब 22 तारीख को ही आएगा वो निर्णय, दोनों में से एक एक विड्रा हो जाएगा। सर, साई पार्टी के ओर से आपने हमें बताया था कि आपके साथ ये करारनामा हुआ है कि आपको महापौर का पद देने वाले जी हैं। हाँ बिल्कुल। तो फिर अब उसमें चेंजिंग हो सकती है क्या? देखिए, ये राजकारण है, पॉलिटिक्स है, इसमें संभावनाओं से किनारा नहीं किया जा सकता। संभावनाएं बहुत सारी हो सकती हैं, आगे भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, तो आप देखिए आगे क्या होता है। आप तो हमारे वरिष्ठ सब पत्रकार हैं, जानकार हैं, हमसे ज़्यादा आपको तजुर्बा है। जीवन जी, जो बैठकें हुई आला कमान के साथ उससे साई पक्ष संतुष्ट है या फिर आगे चल के कहीं ना कहीं जो प्रतिक्रिया यहाँ पे बदलाव में? फिलहाल तो हम संतुष्ट हैं, फिलहाल तो हम संतुष्ट हैं। धन्यवाद लालके साहब। शिवसेना पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? आपने महापौर उपमहापौर का जो फॉर्म भरा है किसने भरा है और किस आधार के हिसाब से आप गणित जुगाड़ पाएंगे? उल्लासनगर महापालिका महापौर उपमहापौर निवडणुकी करता शिवसेनेतर्फे लीलाबाई आशान या महापौर पदासाठी आणि भगवान भालेराव हे उपमहापौर पदासाठी आज फॉर्म भरलेले आहेत। निश्चितपणे शिवसेना, RPI आणि इतर घटक पक्ष यांच्या वतीने हे फॉर्म भरण्यात आलेले आहेत आणि निश्चितपणे उल्हासनगरमधलं राजकीय वातावरण पाहता यावेळेला निश्चितपणे शिवसेनेचे महापौर उपमहापौर निवडून येतील याची आम्हाला खात्री आहे। सर, ठाणे महानगरपालिका में और BMC में भी शिवसेना पार्टी को राष्ट्रवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने समर्थन किया है, तो आप यहाँ भी उल्हासनगर में राष्ट्रवादी पार्टी और कांग्रेस, इनसे आप जो गणित है आप मिला पाएंगे, उनसे तालमेल बनेगा? निश्चित स्वरूप से तालमेल मिलेगा। पिछले टाइम जब भी 2017 में महापौर उपमहापौर का इलेक्शन हुआ था वो टाइम भी कांग्रेस राष्ट्रवादी शिवसेना के साथ में थी, अभी भी साथ में रहेगी। सर, पिछले टाइम भी महापौर के टाइम ज्योति पाटीदार ने शिवसेना पार्टी की तरफ से पर्चा भरा था लेकिन उसके बाद आप संख्या बल जुटा नहीं पाए थे, तो अभी जो हाल में परिस्थिति है उसके ये जो राजकीय परिस्थिति है, राजकीय परिस्थिति के मुताबिक ये टाइम शिवसेना का महापौर निश्चित स्वरूप से होएगा। राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से मैंने खुद भारत रामचंद्र राजवानी उप महापौर का फॉर्म भरा है। सर, BMC में और ठाणे महानगर पालिका में राष्ट्रवादी पार्टी शिवसेना को समर्थन देने के लिए उतरी है मगर यहाँ पर शिवसेना ने भी फॉर्म भरे हैं, आपने भी फॉर्म भरे हैं, ये किस तरह की नीति हो रही है? देखो, अभी तक हमको कोई आदेश नहीं आया है, जो पार्टी का आदेश आएगा हम वो आदेश मानेंगे, वो हिसाब से
युति बना के जाएंगे, कैसा क्या करना है। अगर आपके पास आदेश आता है शिवसेना को समर्थन देने के लिए तो क्या करेंगे? तो जो पार्टी आदेश देगी वो करेंगे ना। लेकिन स्थानीय लेवल पे कोई बातचीत हुई है आप लोगों की पार्टी लेवल पे? स्थानीय लेवल पे अभी तक बात नहीं हुई है। इन्होंने बोला है फ़ोन करके कि किस किस ने भाई हमको समर्थन दियो, जैसे साईं पक्ष ने बोला है और शिवसेना वालों ने भी फ़ोन किया था, मगर अभी तक हमारी उनसे बातचीत नहीं हुई है। फ़ोन आए खाली उनके, भाजपा पार्टी की तरफ से आपसे कोई बात हुई उनसे? उनका भी फ़ोन आया था तो अब तक बातचीत नहीं हुई है, खाली फ़ोन पे हम मिलते करके अभी तक उनसे कुछ बात नहीं है कि कौन से पद पे क्या बात करनी है, वो अभी बैठ के बात करेंगे। बाद में ही गठबंधन में लड़ा हूँ 2017 से और मैं शिवसेना के साथ में महानगर पालिका में है विरोधी बेंच पे बैठा हूँ, तो मेरे 4 सीट है उनको मालूम है, तो मेरे को उनको मेयर भरना है तो मेरे को डिप्टी मेयर के सीट के लिए उन्होंने मेरे को मेरा फॉर्म नामांकन भरा। सर आप आरपीए पक्ष के नगर सेवक हैं और आरपीए पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, केंद्र में आरपीए का भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है, तो यहाँ पर आप शिवसेना को समर्थन? आपने देखा होगा 2017 से मैं शिवसेना के साथ यहाँ पे हूँ और पिछली बार 2017 में महाजन ने हमको नकारा था आरपीए को, उसके बावजूद हमने शिवसेना से युति करके हमारे सीट लाए। बीच में आपने देखा होगा हमारे सीट के बीजेपी के सीट के खिलाफ मेरा सीट एक नंबर प्रभाग में चुनाव जीता है। तो आप कहाँ पे है? मैं लोकल राजनीति कर रहा हूँ, मैं देश की राजनीति की मेरे को क्या चिंता है, मेरे को लोकल उल्लासनगर की राजनीति कर रहा हूँ। मैं उल्लासनगर का शहर अध्यक्ष हूँ और उल्लासनगर का मैं देखूँगा तो उल्लासनगर की जनता का मैं सोचूँगा, तो मैं शिवसेना के साथ में हूँ और शिवसेना के साथ में ये 5 साल रहूँगा। सर पिछले टर्म की बात करेंगे तो शिवसेना पार्टी ने ज्योति भतीजा को महापौर का फॉर्म भरवाया था और उन्हें समर्थन किया था, तो इस बार आपको क्या लगता है उस समय शिवसेना सफल नहीं हो पाई थी, तो अब आपको क्या लगता है कि आप गणित जुड़ा पाएंगे, गणित आप जमा कर पाएंगे? अभी शिवसेना की रणनीति और हमारी रणनीति काम आएगी, आप देखें 22 तारीख को क्या होता है वो आपको समझ में आएगा। धन्यवाद बालराव जी। सर जी।